यानी मैंने तो आप लोग सबके सामने थोड़ा सा ही यू नो गाना गाया, और उसमें ही मेरे जो फैंस है, हमालियंस जो है, उन लोग सब ने इतना प्यार ऑलरेडी दे दिया गाने को, तो मैं यानी मेरे लिए प्री रिलीज सक्सेस हो गया है फॉर अ सॉन्ग. यू नो बहुत टाइम लगता है गाने को लोगों को दिल में जगह बनाने, बट ये गाना आते ही इट्स रीच्ड आउट एवरीवेयर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी. पहला वीडियो देख के तो यही बोला कि आप है वीडियो में, ये वीडियो आपने किया है. सो आई थिंक मेरा जो जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो मेरा पूरा अटायर लुक है, इट्स वेरी इंडियन, वेरी एथनिक, एंड इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ. तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे करने का मौका मिला, एंड रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग. सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. So I am pleasantly surprised, and because Amal is a very reluctant actor, a very serious musician, और वो हर एक गाने को बहुत मेहनत से बनाता है, और ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि उसने इतनी intensity के साथ परफॉर्मेंस और एक्टिंग भी की है. फॉर अ फादर आई थिंक दिस इज क्वाइट अ एंटरेस्टिंग मोमेंट, बिकॉज ये हमेशा जैसे मेरे में बहुत सारे फैसेट्स रहे लाइफ के, और जिस तरह से अमल ने एक कंट्रोल तरीके से एक मैच्योर एक्टर की तरह परफॉर्म किया, दैट इज रियली सरप्राइज मी, एंड आई थिंक पीपल आर रिएक्टिंग वेरी ब्यूटिफुली टू हिज परफॉर्मेंस. इट इज़ अ न्यू रोल दैट इज प्लेइंग, एंड ही इज़ अ प्योर प्योर ब्रेड म्यूजिशियन. ही वो एक्टिंग की तरफ इतना उसका तवज्जो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के लिए, मनप्रीत के लिए, ही डिड ऑल द हार्ड वर्क, ही पुट ऑल हिज इनसाइड क्रिएटिविटी इन इट, सो वेरी थ्रिलिंग, एंड आई एम रियली, आई एम तो वेरी 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 हैप्पी. रिलीज हो रहा है, जब मैं आपकी बात करता हूँ, आपके संगीत की बात करता हूँ, जी सुनीता जो आप सुनते हैं, जो भी आप करते हैं, वो बहुत रोमांचक होता है. एक लार्ज स्टैंड में जो नवाज की बात करता हूँ, जी आई थिंक पहले तो आई वुड लाइक टू से दिस इज डायरेक्टेड बाय क्रिश द मैन हियर. ही इज वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट हिमसेल्फ, और उनका माइंड था यू नो कि मैं, ही हैज सीन मी ग्रो, और मेरे सब म्यूज़िक वीडियोस देख के उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि यानी मैं चाहता हूँ एक अलग अवतार, एक अलग वाइब में तुझे प्रेजेंट करूँ. तो वो रिस्क पहले उन्होंने लिया मेरे को बोलने का कि ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे. तो वो बहुत ज़रूरी है कि यू नो जो डायरेक्ट कर रहे वीडियो, उनकी एक विजन को समझना. तो आई थिंक हम लोग दोनों ने वही किया, वी फॉलोड व्हाट वाज इन हिज माइंड, एंड बहुत ही सपोर्ट रहा है फ्रॉम डैड, फ्रॉम मीत सर, फ्रॉम द होल टीम, हाशिम ऑल्सो हुज़ प्रोड्यूस्ड द वीडियो विद अस, इज़ वर्क, यानी पूरी कश्मीर क्रू, मुंबई क्रू, सब लोग जो साथ में जुड़े हैं, पहले तो आई वुड लाइक टू से उनको बहुत बड़ा थैंक यू. वेरी ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट क्रू. यस, कश्मीर का क्रू वाज वेरी नाइस, ना बॉम्बे का क्रू वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड अ स्पेशल थैंक्स टू बिस्मा. या बिस्मा, बिस्मा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं दिल से म्यूजिक बनाता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे मेरे फैंस हैं, उनके दादा दादी भी मेरे फैंस हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो करें या गाना करें, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आए और चले जाए. यू नो वो काम ऐसा होना चाहिए कि वो रहे लोगों के दिल में और छू के जाए उनके दिल को. तो चलो ठीक है, एक ऐसा ही एक एफर्ट है. एंड परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि मेरे अब तक के जो करियर के इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वीडियोज़ रहे, ये शायद मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रह सकता है. एक्चुअली ऐसा हुआ है कि डब्बू जी एक बार मुझे घर पे बुलाए, और मनप्रीत उनके साथ थी, और उन्हें मुझे कहा कि ये आपके वीडियो की एक्ट्रेस है, और मैं इन्हें मिलते ही कन्विंस हो गया कि सही है, वे सॉर्टेड, वेर इन सेफ फैंस, क्योंकि ये लगती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो सकता है. इनके चेहरे पे वो था, इनकी बात करने के तरीके में वो था कि ये अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से बहुत कन्विंस था. जी, यस. बट शूट के दौरान, वर यू एक्साइटेड, वर यू नर्वस, वर देयर एनी बटरफ्लाइज, या अभी वैसे कुछ हो रहा है, यू आर गोइंग टू रिलीज ऑन द
पूरे वीडियो के दौरान दिस होल प्रोसेस मैं बहुत एक्साइटेड रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी था, बट अभी देख के और लोगों का रिएक्शन देख के अभी मेरे को थोड़ा मन संतुष्ट है, थोड़ा काम हूँ मैं। पर मैं यूएस का वहीं शो ही करवा पाऊँ तो ये मेरा बेसिकली फर्स्ट, जिस तरह से डब्बू सर के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करने का सोचा था हमने, तो वो ऑलरेडी प्लानिंग चलते चलते, और ये जो गाना है चलो ठीक है तो हम कुछ भी बोलते हैं चलो ठीक है, तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड यू नो इट्स कैची टू एवरीबॉडी। सच बोलो, सच क्रिश। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई एम गोना रीट्रेन इट टुडे, मेरे लिए ये शूट नहीं था, मेरे लिए कि लर्निंग जर्नी था। मैं बहुत, इट वाज अ लाइटनिंग ट्रिप फॉर मी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पहला शूट था, पहली बार सेट्स पे थी मैं, एंड अमल से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मीन जो इनके बारे में स्टूड आउट किया मुझे, ये था कि बहुत ही एक वो नॉनशला पर्सोना होता है ना, लाइक ही इज़ वेरी काम एंड कलेक्टेड ऑन द सेट्स, एंड मैं दूसरे कॉर्नर में आई एम जस्ट क्लस्टर्ड एंड फ्लस्टर्ड, एंड मेरे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, सो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इनसे बहुत सीखने को मिला मुझे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए इन द ट्रिप, एंड एंड सेकेंड डे शूट पे आई वाज आई थिंक मोर उसके बाद अगले दिन बोला नहीं नो प्रॉब्लम शूटिंग करते हैं, ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, दिस इज नॉट इजी। सो बोलना अलग होता है एंड डूइंग इट इन रियलिटी इज डिफरेंट। सो बिग शाउट आउट टू अमल फॉर बीइंग सो कलेक्टेड, एंड एज एन आर्टिस्ट ही परफॉर्म्ड so beautifully and so smooth. I'm just, it's commendable. Yeah, main bol rahi hu ki matlab itna, I say he's a triple threat, compose bhi karte hai, gaate bhi, acting bhi karte hai, acting he's commendable. Mujhe laga nahi ki main, it was never awkward, bahut hi smooth tha jo bhi humne shots kiye, everything was like very beautiful and comfortable, and thanks to Krish as well for directing it so well, you know. Thank you. I mean he was clear in his editing, he knew what he wanted, so that made the fun you know even more, it multiplied the fun for me. Talking about acting, editing music mein aur acting music mein kya difference hai aapke? Mujhe lagta hai ki main pehle ke zamane ka composer hu, sirf is era mein paida ho gaya. main agar jaisa sangeet banata hu, jaise mere gaane likhe jate hai ya uska music hai, ऑब्वियसली साउंड 2022 का है, फ्यूचरिस्टिक म्यूज़िक करता हूँ मैं, बट आप गाने की सोल और गहराई देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पुराने गानों का ही वैल्यू मिलेगा मेरे गानों में। तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी कुछ डिफरेंट करता हूँ। मैं एक चीज़, पुराने म्यूजिशियंस और मेरे फैमिली में भी इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, मेरे डैड, अंकल, ग्रैंडफादर, एक चीज़ हमने इन सबसे सीखी है कि मेलोडी और अच्छे लिरिक्स पे ध्यान ज़रूरी है, एंड वही मैंने अपने हर गाने में दिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं वैसा ही काम करूँ, यानी जो यू नो लोगों के दिल में रहे वो यू नो देख के उनको क्रिंज नहीं लगे, और यानी एक एफर्ट ऐसी, ये वैसा गाना भी नहीं है, मैं वैसा संगीत भी मैंने नहीं बनाया जहाँ मुझे 500 डांसर या महंगी गाड़ियाँ दिखानी है, यानी वो ऑब्वियसली वैसा उस टाइप का म्यूज़िक और उस टाइप का कल्चर अलग है, पर जो म्यूज़िक से मैं कनेक्ट करता हूँ और जैसे मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ उसमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं वैल्यू है, यानी संगीत ऐसे ही नहीं कर रहे हम, गाने ऐसे ही डालने के लिए अगर डालना होते तो कब के डाल देते, तो वो ऑब्वियसली ध्यान रखा है, और वो एक एफर्ट रहती है कि वो फिल्म के भी गाने हो, कि कभी कभी जैसे डांस ट्रैक्स हो या वो चीज़, उनमें भी कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि खराब शब्द नहीं यूज़ करें जिससे आपको लगे कि क्या सुन रहे हम। सो ये एफर्ट बिल्कुल है कि हमारे एक एक म्यूज़िक वीडियो में
एक ऐसा काम हो या ऐसा इमोशन हो, ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि आप सबके साथ देख सको. जैसे बोलते हैं ना फैमिली फिल्म है, वैसे फैमिली म्यूजिक वीडियो भी है ये. चलो ठीक है, कोई वास्ता नहीं तेरा मेरा, जिसे कोई राबता नहीं, तूने चुना कोई रास्ता नया, मैंने चुनी कोई राह नहीं, मैंने हाथ ये छोड़ा तेरा के तू लौट आएगा, कभी ये नहीं सोचा था तू मुझे भूल जाएगा, दिल किसी और का ना, दिल किसी और का ना हो पाएगा, ओ, 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 बाकी जल्दी देखते हैं.